हाँ जी जनाब, बहुत से लोग कह रहे थे अपनी पैलेट की अनबॉक्सिंग करें। आप सब चीज़ों की अनबॉक्सिंग करती हैं, अपने ब्रांड की आपने अनबॉक्सिंग नहीं की। यार मुझे शर्म आई थी, सीधी सी बात है ना, अपने ब्रांड की अनबॉक्सिंग करते हुए। इसीलिए मैंने ना यूट्यूब वीडियो बनाई और ना ही अनबॉक्सिंग की। लेकिन अगर आप लोग इतना इसरार करें पैलेट की अनबॉक्सिंग पे, तो मैं आप लोग को पैलेट ना अनबॉक्स करके दिखाती हूँ। सबसे पहले ना ये इसकी शीट लगी हुई है, ये ठीक है, इसको ओपन करेंगे। मैं आपको लोग के सामने इसकी शीट ओपन करती हूँ और खुल जा भाई। ये देखो ये, और ये प्लास्टिक उतरे इसके ऊपर से। हाँ जी ये देखें जी, उसके बाद हम इसको यूं प्रेस करेंगे ठीक है फिंगर से। और एक और पैकिंग है ये वाली, ठीक हो गया। अब हम जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी पैलेट खोलेंगे प्यार से आराम से। ये पैलेट है, इसके एक आपको ये शीट मिलेगी ठीक है, और यहाँ पे मिरर की सेफ्टी के लिए एक यहाँ पे शीट ये वाली लगाई गई है। अभी मैं इसको नहीं उतारूंगी ठीक है। एक ये शीट मिलेगी और एक आपको ये वाली शीट मिलेगी। अब मैं आप लोग को ना फ्रंट वो बैक कैमरा से दिखाती हूँ सारे स्वाचेस करके। जी ये देखें जी, ये इसका लोगो है और यहाँ पे बाउंटी लिखा हुआ है मार्बल कलर का। ये इसकी पैकिंग है। अच्छा, काफ़ी लोग कह रहे थे कि कंपैरिजन करें, कोई पैलेट रख के ना साथ कंपैरिजन। देखिए कंपैरिजन तो किसी का किसी के साथ बनता ही नहीं है। हर एक की अपनी मेहनत, हर एक का अपना प्रोडक्ट, कोई भी अपना प्रोडक्ट बुरा नहीं निकालता। सबकी कोशिश होती है अच्छे से अच्छा निकाला जाए, तो इसलिए कंपैरिजन नहीं करूँगी, बस आप लोगों को इसका स्वाचेस दिखाऊंगी ठीक है। अब हम लोग इसको खोलते हैं। ये देखें जी, ये पहले मैं आप लोग को सारे शेड्स दिखाती हूँ, ऐसे ऐसे दिखाती हूँ। हाँ जी ये देखें, ये है फिंगर, ऊपर कुछ भी नहीं इसके लगा हुआ। हम सिर्फ एक दफा करेंगे ठीक है। ये वाली फिंगर है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ, इसको सिर्फ हम एक दफा करेंगे, दो दफा भी नहीं। ठीक है, ये वाली फिंगर है, इस पर कुछ भी नहीं लगा हुआ, सिर्फ एक दफा। ये देखें बस, ठीक है। ये वाली फिंगर, ये तो स्मूथ शेड है ना, ये इसको ट्रांजिशन के लिए यूज करेंगे, मतलब ट्रांजिशन के शेड्स है ये वाला ना, ऊपर अप्लाई होगा जब हम बेस क्रिएट करेंगे। तो इसका भी आप लोग को हल्का सा स्वाच दिखा देते हैं एक दफा करके। ये वाला शेड होता है ताकि आंख सेट हो जाए। और ये जी हाइलाइटर शेड है, मैं आप लोग को ये दिखाती हूँ। देखिए फिंगर के ऊपर कुछ भी वो स्मूथ लगा हुआ है, इसको हमने उतार लिया स्मूथ को ठीक है। ये हाथ डन हो गया, अब दूसरा हाथ पकड़ते हैं ठीक है जी। ये हम लोगों ने दूसरा हाथ पकड़ लिया जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ। अब शेड ये वाला करते हैं, सिर्फ एक दफ़ा कर रही हूँ ठीक है। ये देखें, अब ये पिंक करते हैं, नज़र क्यों नहीं आई, ये देखिए ठीक है। अब ये वाला सिल्वर करते हैं सिर्फ एक दफ़ा, हल्का सा लगा रही हूँ, दो दफ़ा भी नहीं, ठीक हो गया। अब कौन सा रह गया जी, ये वाला गोल्डन रह गया, इसको तो ये बस, ये देखिए अंगूठा रह गया, ग्रीन नहीं करूँगी, ग्रीन में ना। हाँ जी, इस पैलेट को मैंने डिज़ाइन इस तरह किया था कि इससे ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा लुक्स क्रिएट की जाएं। इसके अंदर आपको ब्लैक मिलेगा, ब्राउन मिलेगा, ग्रीन मिलेगा, ये मिलेगा, चंक्स मिलेंगे, ग्लिटर मिलेगा, हाइलाइटर मिलेगा, ब्लश ऑन मिलेगा, और इससे आप लोग कॉन्टोर कर सकते हैं, ब्लश कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, ब्लैक स्मोकी कर सकते हैं, ब्राउन स्मोकी कर सकते हैं, मैरून स्मोकी कर सकते हैं, आप लोग न्यूड मेकअप कर सकते हैं, आप लोग नेचुरल मेकअप कर सकते हैं, आप लोग हैवी ब्राइडल मेकअप कर सकते हैं, आप लोग मतलब इस पैलेट के पीछे मैंने इतना सोचा। इतना बंद कर देते हैं, हो जा बंद। कुछ लोगों का क्वेश्चन आया है ब्लश ऑन किस शेड को अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें जी, आप लोगों को भी बता देते हैं, जो कैंडी कलर है इसको ब्लश यूज कर सकते हैं, रॉयल को यूज कर सकते हैं, डॉन को यूज कर सकते हैं, कॉन्टोरिंग कर सकते हैं आप, कर सकते हैं हाईलाइट कर सकते हैं इस शेड से, इतना प्यारा हाईलाइट होगा। आप ग्रीन लश और स्टोन को मिक्स करके एक शेड अलग से बन सकता है, स्टोन और ब्यूटी को मिक्स करके एक शेड अलग से बन सकता है। आप लोग को बना के दिखाऊँ, ये देखिएगा बस, अब आप ये हो गया ठीक है। इसके ऊपर ही गंदा हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं,
ये देखें एक न्यू शेड बन गया, ठीक है जी।